गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त संजीव रॉय। आज आ गए एक और नया इंटरेस्टिंग ब्लॉगिंग के साथ। मेरे साथ है मेरा सिस्टर यहां पर, और ये यहां पर आज बहुत ही कुछ खास होने वाला है। आज आप क्या बना रही हो? हम तंदूरी बना रहे हैं। इधर देख के, कैमरा में देख के अच्छे से बोलो। बिरयानी बना रहे हैं। बिरयानी, ये आलू, और ये मम्पी। हाय बोल दो मम्पी सबको। ऐसे इधर देख के कैमरा में। और यहाँ पर देखिए ये हो रहा है। आज तो बढ़िया एकदम, आज बिरयानी बनने वाला है। बढ़िया है यार, आज का दिन बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज मेरा सिस्टर बनाएगी बिरयानी, और उसका प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाएगी। और ये आइए, एक हफ्ते के लिए मेरे पास काफी मजा आने वाला है। आज का दिन धमाकेदार होने वाला है। देखते हैं पहले तो बिरयानी को कैसे बनाते हैं, और आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए। तो गाइस यार, भूख लग रहा है बहुत तेज, और वहाँ पर बिरयानी हो रहा है। अभी बहुत टाइम लगेगा, देखते हैं यार, बहुत भूख लग रहा है। तो बिरयानी की खुशबू से इसको तो हलचल मच रहा है, तो इसको खाना है अभी। मासी, ये हम लोग का बिरयानी के लिए चिकन रेडी हो रहा है, बस बनने ही वाला है बिरयानी। ये देखो, ये बना रही है, इसको पता नहीं आता है कि नहीं, बट खाने में मजा आएगा, भूख तो लग रहा है। ये देखिए, यहाँ पर अभी हम लोग का बिरयानी बनने के लिए प्रोसेसिंग में है। ये मेरा सिस्टर मम्पी। आप क्या करने वाले हो यहाँ पर? अभी हम सजाने वाले हैं बिरयानी में। आलू, अंडा, चिकन, सब्जी का सजाएंगे। तो अभी आज बिरयानी बनेगा है ना? खाना मत बिल्कुल। इधर देख, बिल्कुल ही मत खाना। हम लोग कढ़ाई से बस अभी ये बिरयानी के लिए प्रोसेसिंग कर रहे हैं, क्या क्या करना पड़ता है। मेरे को लगता है कि बिरयानी तो अच्छा बनेगा, बट इसको बनाने नहीं आता है। हर राजा कुछ कहना चाहते हो? मेरे को लग रहा है तुम अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पा रहे हो। ब्लॉग को अच्छे से तारीफ करना पड़ता है। देखो इतना सुंदर राइस है, इतना सुंदर मांस मांस। सही है, तुमको कुछ भी लगे हमको क्या है, बट इसको नहीं आता है, मेरे को ये पता है। और इसको इसको तो चार टाइम में खाना है, और इसको भी देखो कितना मोटी जो गमला है। गमला यार यहाँ पर देखो, कोई रेडी हो रहा है हमारा बिरयानी के लिए, प्रोसेसिंग चल रहा है। ब्लर ब्लर हो गया, ये हो गया, इसको देखो। अभी भी काम चल ही रहा है, बढ़िया है। मेरे को भूख लग रहा है, लग रहा है कि ऐसे निकाल के खा जाओ सारा चीज को, बट कोई नहीं, बनाने दो। बिरयानी फाइनली अभी जा रहा है फिर रेडी होने, आधा अधूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मेरा सिस्टर, इधर देखो क्या कर रहे हो आप? बस ठीक है, बनाओ जल्दी, भूख लग रहा है बहुत तेज। डालो डालो जल्दी। तो आप पूरा सब पे मैं बना रहा हूँ। हाँ हाँ सही, थोड़ा आप ही बना रहे हो, ये लोग अच्छे तरफ से। अच्छा, ये मैं भी मैं मेन शेफ हूँ, वो लोग काम कर रहे हैं, मेरा असिस्टेंट लोग। अच्छा ऐसा है, ये चलो ये पैक कर। पर इन दोनों रेडी कर रहा है बिरयानी। यहाँ पर देखो बिरयानी का भाव नहीं निकल पाया, इसलिए इसको उठाकर। अच्छा ठीक, ये हम लोग का बिरयानी खोल रहा है, चलो चेक कर लेते हैं यार। बिरयानी अनबॉक्सिंग, सही है। ये देखो हमारा बिरयानी, देखो सही है यार, मजा आ गया। तो यार तो भूख लग रहा है बहुत तेज, भूख लग रहा है। इधर आओ आप, आपको बिरयानी खाने का कितना इंतजार है। बिरयानी अब निकल रहा है मेरे को फाइनली।
बहुत भूख लग रहा है राजा। ये है वो बहुत अच्छा कलर हुआ है सच में, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये हमारा बिरयानी बनाने वाली इधर है, 200 रुपए लेके बिरयानी बनाती है। ओ भाई बिरयानी तो बहुत हार्ड है, ओ भाई मजा आके बताता हूँ कि कैसा है बिरयानी, कैसा लग रहा है। बट खुशबू से तो लग रहा है बहुत ही अच्छा बना होगा। और ये फर्स्ट टाइम बना रही है बिरयानी, और इसका बिरयानी का कहानी मैं बिरयानी खाने के बाद बताता हूँ आपको, बहुत मजा आएगा अब रियली, मतलब बहुत हंसने वाले उसका बिरयानी बनाने का कहानी सुन के। तो हम लोग थोड़ा वेट कर लेते हैं खाने के लिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका बिरयानी बनाने का कहानी। ओके प्लेट पे सच में बहुत मजा आ रहा है, और ये दे रही है बहुत अच्छी है, अभी अभी के लिए मेरे लिए बहुत अच्छी है क्योंकि ये मेरे को बिरयानी दे रही है, एक घर का होममेड बिरयानी एकदम, और मेरा बहन फर्स्ट टाइम बनाई है, बाकी मजा आ रहा है। मैं खा के बता रहा हूँ बिरयानी कैसा बना है, बहुत अच्छा मैं खा रहा हूँ। फाइनली रेडी हो गए, अभी जाएंगे हम लोग स्टूडियो की ओर। और आज का दिन काफी बढ़िया रहा क्योंकि आज का लंच में कुछ बिरयानी मिल गया और खाने का मजा आ गया। अभी बस जा रहे हैं हम लोग स्टूडियो की ओर, तो लेट्स सी आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर राजा खड़ा हुआ है यहाँ पर, और ये आज बहुत अच्छा बिरयानी बनाया है, इसके लिए थैंक यू। तो चलो हम लोग चलते हैं आगे फाइनली स्टूडियो पे, और अब हम लोग करेंगे कल का शूट का तैयारी। तो कल हम लोग का शूट है, अगर कल बारिश नहीं होता है तो कल हम लोग का दो दो शूट है एक ही दिन में, तो हम उसके लिए अभी से तैयारी करेंगे। जैसे ही वो शूट कंप्लीट हो जाता है कल का, तो फिर अगर कल दो शूट होता है तो कल पक्का दो ब्लॉग्स आएंगे, अगर एक ही शूट होता है तो एक ब्लॉग आएंगे, मतलब कल मतलब परसों आपका दो ब्लॉग्स आएंगे कल हो सकता है तो। और काफ़ी खुश हूँ यार, चल अब धीरे धीरे चीज़ों को फिर से सही करना है, और कुछ ही दिनों में हो सकता है तो मैं वेस्ट बंगाल से थोड़ा बाहर जाने वाला हूँ, तो उसके लिए भी बहुत सारा ब्लॉग्स बनाने वाला हूँ। तो अभी स्टूडियो पे तो फिलहाल मैं अकेला ही हूँ, अभी वो लोग आ रहे हैं, लोग आने के बाद फिर ब्लॉग्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। शूट के लिए लोग सब कोई स्क्रिप्टिंग बोल रहे हैं, बट कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या करें कल का शूट के लिए, उसी लिए लोग देखो अभी क्या कर रहे हैं। अगर शूट हो पाता है तो बहुत मजा आएगा, कल अगर सच में शूट हो पाता है क्योंकि बारिश की वजह से हमको कई दिनों शूट कर पाए, बट कल कोशिश करूँगा शूट करने के लिए। बट अभी तो मैं स्टूडियो पे ही हूँ, ऐसे कुछ खास नहीं हो रहा, लोग गाना वाना देख रहे हैं कुछ स्क्रिप्ट बनाने के लिए, तो अभी मैं स्टूडियो पे हूँ और कुछ होता है तो आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग आए चाय पीने यहाँ पर, अभी मेरा चाय लग रहा है, स्टूडियो से निकल रहे समय जल्दीबाजी में निकल गया, तो मैं वहाँ से निकलने का वीडियो नहीं बनाया हूँ। बट अभी रात को हो रहा है लगभग 9:30, तो अभी हम लोग आए चाय पीने। तो भाई लॉकडाउन ये चाय है बाहर में, चाय को पी लेता हूँ फिर बात करते हैं। चाय पी लिया हूँ मैं, बस अब घर की ओर जाना है, घर जाके फिर वीडियो को एडिट करना है, एडिट करके फिर अपलोड करना है, वीडियो कल सुबह आएगा। चाय पी लिया हूँ बस अभी घर की ओर जाना है, सबको ये चाय पी लिया है, बस अभी घर की ओर निकलना है यहाँ से, बस घर यहाँ से 5 मिनट की दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, बस जाना है घर, तो चलते हैं घर की ओर। बस घर की ओर चल रहे हैं हम लोग, अभी घर जाना है, देखते हैं घर में जाके क्या बना हुआ है, क्योंकि दोपहर को हम लोग आज थोड़ा बिरयानी खा लिए थे तो थोड़ा सा तकलीफ हो रहा था, तो इसीलिए अब हमें घर की ओर जाना है। बस पहुँचने ही वाले हम लोग घर, घर से ज़्यादा दूर नहीं, हम लोग 5 मिनट के डिस्टेंस पे ही आए थे, ऐसे में अभी हम लोग कहीं भी ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं घर के आसपास ही जाते हैं। तो घर में जाके ब्लॉग को ख़त्म करते हैं आज का, फिर कल मिलेंगे। फाइनली मैं घर आ गया हूँ और मैं खाना भी खा लिया हूँ, तो आज का ब्लॉग यहीं तक। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग पे, बाय बाय।